चार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। 10 मिनट में 20 फटाफट खबरें बताएंगे एक एक कर, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आजम खान ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आजकल निष्पक्षता से चुनाव खत्म हो चुका है। जी हाँ, निष्पक्षता नहीं बची है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश का विकास का झांसा देकर जनता को लूटने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहीं पर दोस्तों ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एमसीडी चुनाव में होगी बीजेपी की करारी हार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा, बोले खरीद फरोश कर सरकार गिराई जा रही है। दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दोस्तों जी सर आपको बता दें, 3 कृषि कानून को लेकर किसानों की बड़ी बैठक होने वाली है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दोस्तों जी सर आपको बता दें, कांग्रेस ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बोले पूरे देश में करेंगे आंदोलन, आतंकवादियों के साथ है बीजेपी का कनेक्शन। तो सारे खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले अब निष्पक्षता से चुनाव होना मुमकिन नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी शासित राज्य और खासकर बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से दोस्तों निष्पक्षता से चुनाव होना खत्म हो गया। आपको बता दें, ईवीएम के जरिए बीजेपी लगातार जगह जगह चुनाव जीत रही है और जहां जीत नहीं पा रही है वहां सरकार गिराने का काम कर रही है, जिसको लेकर आजम खान ने बीजेपी को घेर लिया। आजम खान का कहना है कि निष्पक्षता चुनाव होना मुश्किल है क्योंकि जगह जगह दोस्तों सरकारें गिराकर सरकारें बनाई जा रही हैं, और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आजम खान काफी गुस्सा भी नजर आए। आजम खान ने कहा कि अब हमें कोई भी राह दिखाई नहीं दे रही है, खास कर दोस्तों इंसाफ की, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए दोस्तों, इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि अब सरकार पूरी तरीके से दोस्तों एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दादागिरी पर उतर आई है, और दादागिरी भी ऐसी दोस्तों कि आप देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी का जो सच है दोस्तों दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से सरकार गिराने का काम करे। जहां इनकी सरकार नहीं बन पाती वहां सरकारें गिरा दी जाती है, और ये देश के लोकतंत्र के लिए दोस्तों खतरनाक तो है ही लेकिन बहुत दुखदायक भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आज देश का लोकतंत्र तार-तार हो चुका है, खत्म हो चुका है, और सरकार इस पूरे मामले में दोस्तों घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कोशिश करती रहे कि वो पूरे देश में दोस्तों एक माहौल बना रही है, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी ने आज पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों कांग्रेस पूरे देश में करेगी आंदोलन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के क्यों है आखिरकार दोस्तों आतंकवादियों के साथ कनेक्शन। दरअसल दोस्तों अब कांग्रेस जो है वो एक पद यात्रा टाइप करने वाली है, जहां पर वो देश को जागरूक करने की कोशिश करेगी और बीजेपी की सच्चाई बताने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिसके लगातार कनेक्शन आप समझिए आतंकवाद के साथ निकल रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब गुस्से से लाल हो चुके हैं सभी विपक्ष पार्टियां। और ऐसे में विपक्ष ने सोच लिया कि अब की बार बीजेपी को घेर लेना है। अब दोस्तों देखना यह भी है कि बीजेपी की तानाशाही का जो असर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश के विकास को रोक ले, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश का लोकतंत्र बर्बाद कर दिया है, और ये कांग्रेस अच्छे से जानती है। कांग्रेस ने इतना जो सब कुछ बनाया था वो बीजेपी ने दोस्तों महज चंद सालों में ही बेच डाला। जो कांग्रेस ने 50 साल में खड़ा किया था, ये कह सकते हैं देश के लिए संपत्तियां, और संपत्तियों को बेचकर बीजेपी उन पैसे को कहां लुटा रही है आप खूब देखना है। लगातार जीएसटी टैक्स का पैसा आम जनता से वसूला जा रहा है, और उस पैसे के बल पर दोस्तों आप समझिए गरीबों का हाल बदहाल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों आपको बता दें विपक्ष ने खोला मोर्चा, बोले सरकार गिराकर सरकार बनाकर जुटी है बीजेपी, विपक्ष को खत्म करने की साजिश। दरअसल दोस्तों बीजेपी की विपक्ष को खत्म करने की साजिश अब सबके सामने आ चुकी है। आपको बता दें बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष को किसी भी तरीके से खत्म कर दे, ताकि आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इजिली चुनाव जीत जाए। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी को जो है यहां पर सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा राज्यों से, और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि राज्यों से उसको भरपूर और पूरा समर्थन मिले, क्योंकि दोस्तों इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो चल रहा है वो आपके हमारे सामने। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष को खत्म करके 2024 का रास्ता साफ कर ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर विपक्ष ने दोस्तों
मेन मुद्दों पर, यानी कि दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिया तो वो बीजेपी को कभी नहीं देगी। और ज्यादातर दोस्तों देखा जाए तो अंधभक्तों की लाइन ज्यादा नहीं है, और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर अब सबके सब हमलावर हो गए, वो भी एक साथ। अब यही कारण है जो बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है दोस्तों, तो राजनीति से देश को कितना नुकसान हो रहा है ये सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोहम्मद जुबैर वाला मामला गरमाया, सोशल मीडिया पर मोहम्मद जस्टिस फॉर मोहम्मद जुबैर की उठी मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर वाले मामले में हर कोई मोहम्मद जुबैर को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। हमने और आपने देखा दोस्तों कि विपक्ष हो या फिर कोई दूसरे बाहर कंट्रीज हो, उन्होंने भी मोहम्मद जुबैर वाले मामले को उछाला है। ऐसे में दोस्तों साफ माना जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर को एक तरीके से परेशान करने का काम किया जा रहा है, और मोहम्मद जुबैर को बेल न देकर दोस्तों उनको परेशान करना और डराया जा रहा है, ताकि वो आगे से दोस्तों ऐसा कदम ना उठाएं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों देश के लोकतंत्र के लिए ये सारी की सारी चीजें कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लोकतंत्र की बात तो करती है दोस्तों, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं करती है। और ये हमने आपको पहले भी कहा, फिर कहेंगे दोस्तों, कि आज देश का लोकतंत्र शर्मसार हो चुका है, खत्म हो चुका है। बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में एक अराजकता का माहौल बना दे, लेकिन हमने भी दोस्तों पूरी तरीके से ये देखा है और सुना है, खास करकर कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। ये आप भी देख चुके हैं और हम भी देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता और नफरत का माहौल बनाए हुए है, और ये नफरत का माहौल दोस्तों देश को बहुत महंगा पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले आने वाले समय में ये सरकार भी चली जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी की भी सत्ता किसी की बपोती नहीं होती है, और सत्ता कभी किसी एक की होकर भी नहीं रहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज जो लोग सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकतों का, सरकारी ताकतों का, कल उनके हाथ में सत्ता नहीं होगी तब देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये वही अमित शाह है जिनको तड़ी पार कर दिया गया था, ये वही अमित शाह है जिनको लंबे समय तक कांग्रेस ने जेल में ठुसवाया था, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर 2002 गुजरात दंगों का आरोप लगा था। भले ही प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन सब जानते हैं कि क्लीन चिट कैसे मिली है और कैसे ली गई है। जब योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर के सारे केस दोस्तों बंद करवा सकते हैं सरकार में आने के बाद, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और आपको भी पता है दोस्तों कि कानून इस वक्त कितना एक्टिव है और कितना एक्टिव नहीं है। अगर हम कानून की बात ना ही करें आज तो ही अच्छा होगा, क्योंकि भैया क्या हो रहा है कानून में, यहाँ पर हम बखूब देख रहे हैं। और सरकार का रवैया भी खूब दिखाई दे रहा है कि सरकार किस रवैये पर आगे बढ़ रही है। सरकार के पास सिर्फ एक ही बात है दोस्तों, और एक ही लाइन है, और वो ये चाहती है ये सरकार के वो किसी भी तरीके से देश में अराजकता का माहौल बना ले, एक नफरत का माहौल बना ले, जहां पर दोस्तों सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि नफरत के लिए ही जगह हो। और ये दिखाई भी दे रहा है, पहले भी हमने कहा था फिर कहेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के जो विकास है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, खास करके अग्निपथ योजना लाकर। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना सिर्फ और सिर्फ सरकार के उन घोटालों की तरह है जो बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ इस देश के नौजवान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और 4 साल का झांसा देकर उनका टाइम और वक्त भी बर्बाद किया जाएगा, उसके बाद उनको बोल दिया जाएगा कि आप बाहर हैं। और वो भी दोस्तों आप समझिए, 4 साल में क्या कर लेगा इंसान नौकरी कर 4 साल बाद उसको बेरोजगार ही होना है, कहीं नौकरी तो मिलेगी नहीं। जो भाजपा कहती है कि हम उनको नौकरियां दे देंगे, गार्ड की नौकरी दे देंगे, बताइए आप जो फौज में रह चुका है उसको गेट कीपर बनाएंगे, हालांकि गेट कीपर की भी नौकरी नहीं देंगे दोस्तों। ये आप समझिए कहां है, कितने लोगों को ये भाजपा जो गेट कीपर की नौकरी देगी? क्या भाजपा कार्यालय जगह जगह है? क्या भाजपा कार्यालय कितने होंगे? मुश्किल से 100-150 या इससे भी कम दोस्तों, 50 से भी। तो फिर बीजेपी आप समझिए कैसे कह सकती है कि हम जगह जगह इनको गार्ड की नौकरी देंगे। और ये बचकाना बयान किसने दिया था दोस्तों? कैलाश विजयवर्गीय ने। इनका, जी हाँ दोस्तों आप समझिए, इनका बेटा बल्ला उठा उठा कर लोगों को पीटता है, और ये महाशय ऐसे बयान देते हैं कि हम तो गार्ड की नौकरी दे देंगे। कन्हैया कुमार ने भी हमला बोला था बीजेपी के ऊपर, और कहा था कि बीजेपी देश को लूटने का काम कर रही है, और खासकर युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन इस बात में दोस्तों हमने पहले भी बात की, और फिर वही
वही बात हम कर रहे हैं कि सरकार का अब कोई भरोसा रहा नहीं है। सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है दोस्तों, उस पर कई सवाल खड़े हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश को एक तरीके से कह सकते हैं शर्मसार करने का काम कर रही है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो गोदी मीडिया, जो गोदी पत्रकार आप तक नहीं पहुंचाते, वो सच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये आपको भी दिखाई